तो ये अभी हम लोग नेटफ्लिक्स के ऑफिस से निकल रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। सिर्फ कॉफी नहीं थी बस मेरी बेबी को कॉफी नहीं मिली वहाँ पे। एक बार बताओ, मैं तुम्हें बता दूँ कॉफी कहाँ है, इसके पीछे वाली बिल्डिंग। अरे अरे अरे, तुमने तो एकदम FBI की तरह बात की है। मैं एक बात बता दूँ तुम्हें, अगर चार पाक्स यहाँ ना निकला मेरे मुँह पे तुम थूकना, लेकिन अगर निकल आया तो तुम थूकोगी मेरे मुँह पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब विनाश यहाँ पर एडिटिंग वगैरह कुछ कर रहा है और मैं अपनी कॉफी बनाने लगी हूँ, क्योंकि इसके बाद आज हमें निकलना है अविनाश का वैक्सीनेशन डे। हाँ जी बेबी, बहुत मजाक बनाया था मेरा, तुम्हारी बारी आ गई। मुझे जबरदस्ती डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? मतलब तुम मेरे साथ मेरे सपोर्ट के लिए जा रही हो कि डराने जा रही हो? मैं अकेले ना चला जाऊँ फिर, अगर तुम ऐसा करने वाली हो तो? तुम अकेले ही जाओ, मैं चाहती हूँ। जाओ मैं? हाँ तुम अकेले जाओ, जा सकते हो मेरे बिना? हाँ चला जाऊंगा, क्या लग तो नहीं रहा हाथ पाँव देख के। अगर कोई इंसान सही भी है ना, तो घर में इतने नेगेटिव लोग हैं जो उसको डरा देते, और मेरे घर में तो दो बहुत ही नेगेटिव लोग हैं। अरे आज तो बहुत मजा आएगा, इनफैक्ट मैं तो मजे की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ अपनी कॉफी बना लेती हूँ। देख लो बेबी, ये खाना नहीं खा रही है, क्या प्रॉब्लम है कैंडी, क्या प्रॉब्लम हुआ है? हाँ सुबह से इतना लाड कर रही हूँ मैं, इधर आजा, डांट दो तो और नहीं खाएगी। 12 बज गए हैं बेटा, खाना खा ले, क्या हुआ है? अच्छा आजा आजा, मम्मा खिलाएगी। अब नासूर कुत्ते हैं ना ऐसे, इधर आओ आजा आजा। मम्मी ये बाबू है, मैं छोटा बेबी, अच्छे खाता है खाना, हाँ अच्छे खा लेते हैं खाना, देखो ये देखो। फिर चेरी आजा, कैंडी का खाना खा ले, फिर आजा चेरी। मैं चेरी को दे रही हूँ, फिर मैं ठीक है मैं चेरी को दे देती हूँ आपका खाना, चेरी खा लेगी, ठीक है आजा आओ चेरी। देखो चेरी, ये देखो कैंडी का खाना है, आप खा जाओ आप। हाँ ये भी खा ले चेरी, ये भी खा ले, ये देखो अब इसकी शक्ल, मतलब इसकी दुनिया लुट गई है, बर्बाद हो गई है। मैं कितना प्यार करूँ बेटा, मेरे को बताना, मैं तो कर रही हूँ तेरे को। आ जा चेरी से लड़ेगी अब बिना बात पे, वो देखो दांत दिखा रही है उसको, देखो देखो दांत दिखा रही है, और उसको क्यों दिखा रही है बेटा, दांत क्यों दिखा रही है उसको, क्यों दिखा रही है, क्या हुआ है? आ जा, खाना तो आपका है ना, खाना आपका है, आप खाओ, खा ले, चल चल फिर मैं चेरी को दे दूंगी, अच्छा है वो तो बैठी हुई है इसलिए। ये वाला खाएंगे, अच्छा ये वाला खाएंगे, अच्छा चेरी को लग रहा है ये मुझे दे दो मैं खा लूंगी, आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हो खाने के लिए, मैं खा के एक सेकंड में दे दूंगी आपको डब्बा। ये पता है चिड़ में शुरू हुई है खाना खाना, ये ना चेरी की जलन में खाना खाना शुरू हुई है, वरना नहीं खा रही थी। खाएंगे दांत नहीं दिखाने, दांत नहीं दिखाने चेरू को, दांत नहीं दिखाने, आ जाओ मिले छोना बाबा है मम्मा का, ऐसा नहीं कर रहा ना, इस समय 2-3 थप्पड़ लगा दो उसको, लेकिन खाना छोड़ दिएगी ना, खाना खाए मिले बाबा। इसको शक है कि आप कहीं मुझे गुस्सा तो नहीं दिखा रहे हो, इसको शक है इस बात का, तो ये यकीन में बदलना चाह रही है कि अगर आपको शक है इसको कि मैं गुस्से में हूँ तो ये खाना बिल्कुल छोड़ दे, लेकिन मैं इसको दिखा नहीं रही हूँ, है ना, क्योंकि मेरा छोटा बेबी है ये, खप खप करके खाना खा जाएंगे, फटाफट फटाफट खाना खाएंगे। देखो चेरी को दांत दिखा रही है, खाना खा ले मेरा बेटू, फिर देख चेरी चेरी खा जाएगी, चेरी खा जाएगी, देख खा ले, खाना खा ले फिर अपना, खाना खा ले चेरी ने, खा लेना फिर, खा ले खा ले। हमेशा की तरह आधे घंटे होने के बाद बेबी गलत रास्ते पे ले आई है और वैक्सीनेशन हो गया लेट। तुम्हारी वजह से हुआ है ये नहीं बता रहे हो ना? मेरी वजह से हो गया? तुम घर से निकलते ही लेफ्ट लेना है यहाँ से, रास्ते क्यों भूल जाती हो सारी दुनिया की? नहीं, मेरे को जब मैं यहाँ इस जगह पे आती नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता होगा? तुम तो बहुत आगे थी, मैप लगाना चाहिए था, तुमने मैप लगाया और उसके बाद भी तुमने गलत रास्ता दिखाया मेरे को। अच्छा अच्छा, बाकी दिन कैसे गलत आ जाती हो? और अगर पुलिस ने रोक लिया ना तो और 5 मिनट खाएंगे वो, तो पुलिस तो रोकेगी, तुमने मास्क नहीं लगाया। लेकिन मैं मास्क क्यों लगाऊं अपनी गाड़ी के अंदर, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं लगाना, तुमने लगाया हुआ है पता है। शिट यार कितना लंबा आया है हम, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। 100 मीटर और ऊपर से तो तुम्हें कॉफी लेनी थी रास्ते में, मैंने तब लेनी थी जब तुम ठीक लाते तो हम लोग अभी तक पहुँच जाते। मैं ठीक लाता? गूगल मैप किसने लगाया? जब से गूगल मैप बना है तुम रास्ते क्यों भूल गई हो सारी दुनिया के? तुम अपनी गली में ही खो जाती हो आजकल, देख रहा हूँ। होता है एक बिल्डिंग में पहुंचे तो वो भी गलत बिल्डिंग, और
दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। ये कौन था जिसने तुम्हें बोला यही है? मैंने तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछा था, उसकी भी आज ही नौकरी लगी होगी शायद। यू हैड बिस्किट्स? यू हैड बिस्किट्स? नहीं अभी खा लूंगा। 119 अभी खा लो। तो मैं वेट कर लूंगा इनको जाने दो। नहीं नहीं आज फास्ट आ जाओ अंदर आ जाओ। नहीं वैक्सीनेशन होने से पहले खाने के लिए बोला डॉक्टर, बाद में खा सकते हैं। मेरे को नहीं लगता मुझे इसके मजे लेने हैं। बस मैं साइड पे खड़ी हूँ, जब वैक्सीन लगेगा ना बेबी आर यू रेडी? रेडी हो? लेफ्ट में लगेगा बेबी, यहाँ पे मजेदार सा। कोई बात नहीं बेबी, डरने की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे रख देती हूँ चाबी। जस्ट रिलैक्स, ओके? जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। देखो ना इधर, देखो हो गया? दर्द नहीं हुआ तुम्हें? पता नहीं चला। यू वर सो गुड, थैंक यू सो मच। आपको भी आधा घंटा वेट करना है। बिस्किट ले लो। चलो वेट करेंगे, वहीं वेट करेंगे। बेबी तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? पता ही नहीं चला। तुम्हें सच्ची कुछ नहीं पता लगा? बेबी गुड बोल रहे हो। तुम्हारी कहानी उल्टी भी पता नहीं चली मुझे। पता भी नहीं चला? बाहर देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा। मैंने सोचा था मैं मजे लूंगी, जो मेरे साथ मेरे को भैंस की तरह क्यों लगाया था उन्होंने? मेरे को ऐसे इंजेक्शन क्यों दिया था? तुमको पता भी नहीं चला? हेलो, कुछ भी नहीं हो रहा ना? थोड़ा तो कुछ हुआ होगा। नहीं, मुझे कैसी जगह पे लेके गए और खुद कैसी जगह पे आके तुमने इंजेक्शन लगाया? बीबी के साथ तुमने ये किया है, मैं अभी तक दर्द में तड़प रही हूँ, नील पड़ गया। तुम्हारा साइकोलॉजिकल ज्यादा है। साइकोलॉजिकल अभी तुम्हें रात को मैं देखूंगी ना साइकोलॉजिकल कितना होता है। ये बुखार आएगा तुम्हें सुबह सुबह, और आज गोली नहीं दूंगी, रात को गोली नहीं खानी, सुबह बुखार आएगा तब देखेंगे। बेबी को इंजेक्शन लग गया। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वैक्सीन लगी है ये नेटफ्लिक्स इंडिया और स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने, जितने भी राइटर्स हैं जो कि मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, उनको वैक्सीन लगवाई है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो थैंक यू नेटफ्लिक्स, थैंक यू SWA। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि देखो राइटर्स को अगर कुछ हो गया तो लॉकडाउन में जो आप देख रहे हो वेब सीरीज और जिनकी वजह से देख रहे हो वो बंद हो जाएंगी सब, तो राइटर्स का ठीक रहना तो बहुत जरूरी है। आप क्या पूछ रहे थे? नेटफ्लिक्स का यही कहीं वो है। तो ये अभी हम लोग नेटफ्लिक्स के ऑफिस से निकल रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। सिर्फ कॉफी नहीं थी, कॉफी नहीं थी बस, मेरी बेबी को कॉफी नहीं मिली वहाँ पे। कॉफी दिलवा दो बेबी, कहाँ है वो? अब सबसे पहले तुम्हारे लिए कॉफी ले लेते हैं। मैं पहले मैप में वो डाल देता हूँ, स्टारबक्स है ना? ठीक है, कोविशील्ड डालने लगे थे क्या? जल्दी डालो हम लोग, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है बेबी उसके। एक बार बताऊँ पता कहाँ है? मैं तुम्हें बता दूँ कॉफी कहाँ है, इसके पीछे वाली बिल्डिंग। अरे अरे अरे, तुमने तो एकदम FBI की तरह बात की है। क्योंकि देखो हाँ, हम जब भी जाते हैं हाँ, लोनावला हाँ, तो ये पड़ता है। एक सेकंड रुक जाए, इंडिकेटर भी तो दीजिए ना बहन जी। दिया, मैंने दिया है मैंने, और तुम देखो हम लोग पहुँचेंगे। तुमने जैसे स्टारबक्स का पता लगाया ना, बिल्कुल ACP प्रद्युम्न लग रही हो। दया दया इसी गली से मुड़ते थे, दया दया याद है? ध्यान से बहुत छोटा टर्न है भाई। मैं एक बात बता दूं तुम्हें, अगर स्टारबक्स यहाँ ना निकला मेरे मुँह पे तुम थूकना, लेकिन अगर निकल आया तो तुम थूकोगी मेरे मुँह पे। ये क्या आपने आप ही रूल बना लिया? ये वन वे है क्या? नहीं, ये गया इंडियन ऑयल, और अब देखना क्या आएगा। क्या आएगा देखो, अरे कहाँ गया, कहाँ है? यही था ना, मैं लगाऊं मैप? स्टारबक्स तो यही है बेबी। हाँ तो ये बाहर गाड़ी पार्क करो और अंदर जाना पड़ेगा ना उसके लिए। पता कर लेते हैं बेबी, कितना सही अरेंजमेंट था ना। देखो पहला रेड बैंड लगाया एंट्री पे, दूसरा येलो बैंड लगाया डॉक्टर कंसल्टेशन पे, तीसरा ग्रीन बैंड लगाया वैक्सीनेशन के बाद। मुझे एक ही लगाया। हाँ तुम्हें सिर्फ एंट्री के लिए लगाया ना? एंट्री और एग्जिट के लिए, लेकिन बहुत अच्छा इंतजाम, इतना अच्छा इंतजाम था ना। अरे वाह, टॉम एंड जेरी के जेरी की तरह तुमने चीज सूंघी ली कि बगल में चीज है। वो देखो, ये ले जेरी जा। इसमें पूरे पैसे नहीं होंगे, तुम्हें कार्ड भी देना पड़ेगा मुझे। कुछ खाने के लिए भी लाओगी क्या? वो क्रोजोन खाए क्या? नहीं खा सकते, लंच भी नहीं किया ना आज। कॉफी अलग से? हाँ स्मॉल स्मॉल, और मुझे कमजोरी भी हो रही है, मुझे खाने के लिए चाहिए। तुम क्या करते हो यार? क्या हुआ तुम्हें पता है हमारी 10 कॉफी फ्री है।
तुम हमेशा पे करके आ जाते हो, देखो तो सही, उनसे पता तो करो। भाई साहब पिछले एक हफ्ते से रोज फ्री कॉफी ला रहा हूँ मैं, उसके बाद भी 10 बची हुई है। 10 कॉफी फ्री है हमारी और 2 खाने की चीजें भी फ्री है। और तुमने इतना टाइम कैसे लगा दिया, मैं इतना डर गया। तुम एक बार गेट कीपर से भी लड़ रही थी, मैंने उसे देखा। नहीं नहीं मैं लड़ नहीं रही थी, मैं कुत्ते से खेल रही थी। क्या क्या लाई हो? मार ले खाने के लिए लाई हूँ ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल जाए। चलो तुम्हारी कॉफी शॉर्ट कॉफी इन ईयर रोज टाइम के पास और अपने लिए तो इसी में से आधा आधा खाएंगे। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मिल बांट के प्यार से। नहीं मैं गाड़ी चला रही हूँ, गाड़ी चलाने दो। और 10 कॉफी फ्री है, मैंने कहा आगे दिखा देना आप, 10 कॉफी फ्री है। हाँ तो वो तो फ्री है ही, रोज फ्री देते हैं। ये तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो अभी? अरे बता नहीं रहा मतलब मैं थोड़ी पी जाऊंगा फ्री कॉफी सारी, वो वेस्ट हो जाएगी। ओ अच्छा, मतलब ये नहीं है कि वो आप सालों साल चलाओगे। चलो 8 अभी पी लेते हैं चल के, बची 2। अभी देख रही हूँ ये दोस्ती, ये और वीरू बहुत बूढ़े हो गए ना, वैसे लग रहे। नहीं यार ये वाले स्कूटर अभी भी चलते हैं, मेरे को तो ये हैरानी होती है। मैंने कभी नहीं बैठी ऐसे उस पे, मेरे को बिठाओ ना। नहीं बेबी बहुत पलटता है। हैं? हाँ। बोलो उलट जाता है। हाँ उलट पलट जाता है बहुत ज्यादा। राम भरोसे चलता है ये। हैं? फायदा? फायदा कुछ नहीं, यही शोले की वजह से पॉपुलर। तो जी मेरी बत्ती बज गई है, मतलब बुझ गई है, मैं सोने जा रही हूँ। और अविनाश क्या कर रहा है? मैं हूँ उसमें। हाँ हाँ ये रे दिख रहे हो तो। हाँ ये फीलिंग नाउ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इंजेक्शन के बाद एकदम टनाटन लग रहा है। सुबह देखेंगे, अब वेट होगी रात से लेकर सुबह तक कि अविनाश के साथ क्या होता है, वो मैं देखना चाहती हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो एंड सी कि व्हाट हैपेंस टू अविनाश। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। बेबी अगर लगे ना बुखार कुछ भी है, हल्का सा भी तुम्हें ऐसा महसूस हो तो उठ के दवाई ले लेना साइड से। मैं तुम्हारा